अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इजलास पर हमारे मुल्क की अजीम तरीन शख्सियात बराजमा हैं। सरजमीन आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द मुजाहिद हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब कासमी सदर जमियत उलमा आसाम, इसी तरह आंध्रा की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले हजरत मौलाना अब्दुल कवी साहब नायब सदर जमियत उलमा आंध्र प्रदेश और हमारे अपने महाराष्ट्र के कायद जमियत उलमा हजरत मौलाना नदीम अहमद साहब सिद्दीकी सूबाई सदर जमियत उलमा महाराष्ट्र, इसी तरह हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब कासमी सदर जमियत उलमा मराठवाड़ा और हजरत कारी शमसुल हक साहब कासमी नायब सदर जमियत उलमा मराठवाड़ा और मराठवाड़ा के और महाराष्ट्र के अजीम शख्सियात उलमाए किराम हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएं। सबसे पहले मैं ज़रूरी समझता हूं कि नौजवानान की ख्वाहिश पर हमारे इन आने वाले अजीम शख्सियात का इस्तकबाल हो, लिहाजा जनाब मोहम्मद अय्यूब साहब जागीरदार ये इस्तकबाल करेंगे हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब कासमी दामद बरकातुहुम का। मोहम्मद अय्यूब साहब हजरत के बाद इस्तकबाल करेंगे हजरत मौलाना अब्दुल कवी साहब नायब सदर जमियत उलमा आंध्र प्रदेश का। इसी तरह मौसूफ हजरत के बाद इस्तकबाल करेंगे हमारे सूबाई कायद हजरत मौलाना नदीम अहमद सिद्दीकी सदर जमियत उलमा महाराष्ट्र का। इस्तकबाल करेंगे हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब कासमी सदर जमियत उलमा मराठवाड़ा। आगे आगे चलो। मोहतरम हजरत फिर इस्तकबाल करेंगे वो नायब सदर जमियत उलमा मराठवाड़ा कारी शमसुल हक साहब कासमी का। इसी तरह इस्तकबाल करेंगे हजरत मौलाना मजाहिरी साहब सदर जमियत उलमा जिला लातूर। इसी तरह इस्तकबाल करेंगे हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब शेख उत्तफसीर सिराजुल उलूम आंध्र प्रदेश का। हजरत चले गए।